I've made fun of him and it's like it's very exciting that. So जो पहला प्यार की स्टोरी है ना तो वो यहाँ से शुरू होती है. Yeah, that's what. ये हमारे लीड सुंदर की कब एकदम पहला प्यार की वजह से वो negative हो जाता है. अलग तरीके पे चलने लगता है. जब negative किरदार जिस तरीके के किरदार आते हैं हमने तो आपको कितना ये बहुत उलझा हुआ लगता है कि आप करने में बड़ा मजा आता है कि हाँ मुझे इस तरीके के किरदार में जाना चाहिए या पॉजिटिव. तो क्या होता है ना सर, हमारी इंडस्ट्री में तीन टाइप के कैरेक्टर होते हैं. एक तो ब्लैक कैरेक्टर होता है जो बिल्कुल ही नेगेटिव होता है, एक वाइट कैरेक्टर होता है जो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, और एक कैरेक्टर होता है जिसे हम कहते हैं ग्रे शेड. अब हम आप और हम जैसे लोग सारे ग्रे शेड में आते हैं, ना कोई बहुत अच्छा है ना कोई बहुत बुरा है. जब हम ऐसे कैरेक्टर दिए जाते हैं तो हमें परफॉर्मेंस से खेलने का बड़ा मज़ा आता है क्योंकि हम इतना एक्सप्लोर कर पाते हैं, इतना परफॉर्मेंस का स्कोप होता है. तो मामी का भी जो इंटेंशन है गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह तरह से उसने प्ले किया है पूरी सीरीज़ में और जिस तरह से उसके एक्शंस है एक्सप्रेशंस है, आप जब देखेंगे आपको समझेगा कि क्यों ऐसा है, वो ऐसी क्यों बनी है और उसकी वजह से सुंदर पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है और पूरी स्टोरी अपने में अनवीव कैसे हुए जा रही है. सो माई कैरेक्टर टेल्स दैट कि आई एम द वन ही इज लव्ड थ्रू आउट हिज लाइफ और बचपन से मुझे प्यार करते आए पर उसकी जो चीज़ें हैं उसका मैं मजाक उड़ाती हूँ, उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं होती, एंड दैट्स वॉट मेक्स हिम वट एवर ही इज़ प्लेइंग इन द वेब शो. आई कैन नॉट रिवील दैट मच, बट दैट्स हाउ द स्टोरी टेक्स a toll on other girls also ki what is happening in there. Isse pehle kitne project mein aapne kaam kiya? Main series mein kabhi kaam kiya hai? No, this is my first web series project. I have worked in movies and I have done TV and all of that. Ads. जी सर, मैंने हाल ही में एक रिलायंस की फिल्म की है, वो एक कॉमेडी फिल्म है, तो ये अवतार जो मैं प्ले कर रही हूँ उससे बहुत बहुत कॉन्ट्रडिक्ट्री होगा. मेरी फर्स्ट फिल्म हॉटस्टार के लिए थी, वो भी नेगेटिव लीड की थी, वहाँ पर मैं खुद पागल होती हूँ, यहाँ मैं किसी और को पागल बनाती हूँ. तो इसी बोलते वाइट को ब्लैक करना. अब आप समझ रहे हो शेडिंग की बात. जी, मेरा नाम वानी डोगरा है और मैं इसमें साधिका का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. मेरा नाम आलिया सचर है और मैं इसमें सौम्या इनकी बहन का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, मैं इनकी बड़ी बहन हूँ. आपको अप्रोच कैसे किया गया, सर ने कैसे अप्रोच किया, कितने परेशानियाँ हुई? ऑनेस्टली परेशानियाँ तो कुछ भी नहीं थी. वीवर अप्रोच जैसे नॉर्मल कास्टिंग कॉल्स होते हैं, यू सेंड योर इंट्रोडक्शन, ये वो. वीवर कॉल्ड फॉर, जब एक शॉर्टलिस्ट होता है वीवर कॉल्ड फॉर एन ऑडिशन, देखा गया ऑडिशन, एंड ऑडिशन प्रोसेस भी बहुत स्मूथली था बिकॉज एक कंफर्ट था यू कैन डू इट अगेन, क्वेश्चंस पूछ सकते थे, ब्रीफ अच्छे से दिया गया था तो कैरेक्टर ईजिली समझ के ऑडिशन दिया गया था, तो प्रोसेस वेंट वेरी स्मूथली एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो. आपको कैसा लग रहा है मिसिंग का पार्ट होके, और आगे आपने क्या क्या किया था इससे पहले, क्या क्या किया? मिसिंग का पार्ट बन के बहुत अच्छा लग रहा है एंड थैंक यू सर ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी. एंड कहानी बहुत अच्छी है, बहुत ही कुछ कहानी, एक ही कहानी में बहुत सारी कहानियाँ हैं, इसीलिए बहुत मज़ा आ रहा है. इससे पहले मैंने टीवी शोज़ कर रखे हैं बट दिस इज़ द वन कि जो एक कैरेक्टर, एक एक्टर चाहता है कि उसको कुछ इस तरीके का मिले, कि उसे बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिले. सो इट्स मैंने अभी सिर्फ शॉर्ट फिल्म्स और थोड़ी सी एड्स की हैं, तो वेब सीरीज़ के मामले में बिल्कुल फ्रेशर हूँ और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को ये स्टोरी करने को मिल रही है. बिकॉज जैसा उन्होंने कहा कि एक्टर को लाइक एवरी कैरेक्टर जो आपको मिले, यू वांट टू डू योर बेस्ट एंड यू वांट अ स्टोरी जिसके पीछे आप सोच सकें, आप कैरेक्टर में घुस सकें, एंड दिस कैरेक्टर इज़ डूइंग द सेम फॉर ऑल ऑफ अस. सर, जैसे कि अभी दो नए दो और किरदार आए हैं मिसिंग के, जो कि पॉप के किरदार निभा रहे हैं, उनको ढूंढने में कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, क्योंकि
कुछ अलग दिख रहा है. सो दोनों कॉप का कैरेक्टर में है एंड आई थिंक ही डिजर्व्स इट बिकॉज एक हाइटेड एक मंदा जो मिसिंग था हमारे कैरेक्टर्स में भी एक मेल मिसिंग था तो कहाँ ना कहाँ इसने पूरी की है एंड शी इज़ वंडरफुल एक्टर. काफ़ी सीरीज और मूवीज कर रही है तो आई थिंक शी वाज़ द बेस्ट चॉइस ऑब्वियसली फॉर हर कैरेक्टर. आप कितने एक्साइटेड हैं मिसिंग को लेकर सर से जुड़ने पर कैसा लग रहा है? सर सबसे पहले तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम लोग और हमारा प्रोजेक्ट है तो मतलब इसके लिए तैयारी बहुत सर मतलब इतना ज़्यादा ब्रीफ करते रहते हैं हम लोगों को तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम लोग. और सबसे बड़ी चीज़ है कि वी आर गेटिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम सर साइड कि हम लोग को मतलब सर ने जो ऑडिशन लेकर हम लोगों से जो अपेक्षाएँ हैं वो पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे और बहुत एक्साइटेड हैं बता नहीं सकते शब्दों में बयान नहीं कर सकते सर. आप कितनी एक्साइटेड? तो बहुत है. पहले एज एन एक्टर बहुत काम किया है लेकिन ये कुछ अलग कैरेक्टर था जो मैंने पहले मतलब इतना प्रोमिनेंट कैरेक्टर पहले नहीं किया मैंने जैसा इसमें है. लाइक एक कॉप का कैरेक्टर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन बिफोर. तो मेरे लिए पर्सनली एक चैलेंज था एज एन आर्टिस्ट कि ये कैरेक्टर करना. बाकी तो हम लोग इसकी ट्रेनिंग और ये सब चीज़ें हम कर ही रहे हैं. आई होपफुली कि मैं अच्छा कर पाऊँ. बाकी तो आप देखेंगे तो आप बेहतर बता पाएंगे. चिंता कर प्यार. थैंक यू. कास्ट को ढूंढना या चीज़ें करना या सब्जेक्ट के अनुसार किरदार को उस पॉइंट पे लेकर आना कितना स्टोरी अपने आप में ना एक चैलेंज है. लाइक अगर आप ये देखोगे तो एक रोलर कोस्टर राइड है. लाइक अप्स एंड डाउन चीज़ें चेंज हो रही हैं आ रही है नहीं आ रही हैं. तो करेक्टर के लिए मेरे ख्याल से हमें काफ़ी टाइम लगा है. काफ़ी हमने देखे हैं काफ़ी हमने ढूंढे हैं. एक वो हैंड पिक करेक्टर एक एक आपको इसमें मिलेगा जो जस्टिफाई करेगा एक एक करेक्टर को आपके कास्टिंग में. क्या आपने किसी कास्टिंग डायरेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया था या खुद आपने उसको? नहीं 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 एक्चुअली एक ऐप बोल्डी करके एक ऐप है तो हमने उनके थ्रू सारी कास्टिंग अपनी कम्प्लीट करवाई है. वेदांती आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी फिल्म का वो वेब सीरीज का हिस्सा है तो किस तरीके का आपका वर्क है किस तरीके से आप उसमें योगदान दे रही? मैं टोटली बैक एंड वर्क कर रही हूँ इसका. बट जब तक मैं अपना काम आगे नहीं बढ़ाऊंगी जब तक मैं स्क्रिप्ट वगैरह नहीं करूंगी तब तक ये फ्रेम के सामने नहीं आ सकता. सो दैट इज़ माई वर्क. सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि मेरा काम अच्छा हो तो आगे काम अच्छा हो. तो किस तरीके की तैयारी चल रही है किस तरीके का वर्क चल रहा है आपका थोड़ा सबके बर्गर खा लेती है और कुछ नहीं होता नहीं ऐसा कुछ नहीं. मैं कुछ खाती नहीं हूँ ये लोग खाते हैं मैं काम करती हूँ पूरा दिन. वजन तो हमारा दिन भी बढ़ा दिया है मेरा कम कर दिया है आपने. तो वरुण जी अभी ये सब तो है चल रही है तो आई मीन ऑन फ्लोर कब तक जाने का प्लान मतलब कब से सोच स्टार्ट होने वाला है कुछ बताइए. अभी हमारा जुलाई 15 से मिड तक हम प्लान कर रहे हैं टेंटेटिव तो ये फ्लोर पे चला जाएगा. By August, September, गणपति पे हम लोग रिलीज करेंगे. मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन सर. मिसिंग एक नया वेब सीरीज लेकर आप आ रहे हैं. देखने में बड़ा खूबसूरत पोस्टर लग रहा है आपका और IMAX TV पे आ रहा है जो कि आपका ही एक टीवी आपने लॉन्च किया है. आप ऐप लॉन्च किया आपने इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि मिसिंग कहाँ से नाम सूझा और इसके बाद इसकी. सो मिसिंग बेसिकली एक स्टोरी है 7 ब्राइड्स जो गायब हो जाती है और हमारा जो नेगेटिव लीड है यहाँ से ये ऐसे कुछ कारनामे कर देता है जहाँ से 7 लोग मिसिंग हो जाते हैं और उनको ढूंढते हुए ये आ जाती है. एक जो आप बेसिकली देखते हैं ना चूहा और बिल्ली का खेल हो यहाँ पे आप देखोगे. इसमें देखने की बात है कि मिसिंग ये नाम सूझा कैसे और ये जो कंसेप्ट आया है जो कंटेंट जब 7 लोग मिसिंग हो जाए तो मिसिंग ही नाम सूझेगा. कंटेंट कहाँ से आया पहली बार कैसे आया आपको ये सूझी कि हाँ उस पर मुझे वेब सीरीज बनानी क्योंकि बहुत क्या मिसिंग है और किस तरीके का है थोड़ा इसमें संक्षेप में बता सकते हैं? मिसिंग बेसिकली एक थ्रिलर है और जब कुछ लोग मिसिंग हो जाते हैं और जब रिपोर्ट्स बनती है मिसिंग फाइल्स बनती है तो वहाँ पे एक ऑफिसर आती है जो इन मिसिंग को ढूंढना चालू करती है वहाँ से नाम हो जाता है. बेसिकली कास्टिंग के लिए कितना आपको वक्त लगा और कितना चैलेंजिंग रहा? करीबन 4 महीने. अप्रॉक्स 4 महीने कैरेक्टर में घुसाते घुसाते लोगों को ब्रीफ करते करते कि साइको थ्रिलर करो कोई इशू नहीं नेगेटिव करो कोई इशू नहीं. अनुप जी आप क्या कहना चाहेंगे? आई मीन आपका भी सब ने बताया है तो वेब सीरीज स्टार्ट होने वाली है
म्यूजिकल, तो आपका किस तरीके से क्या किरदार है कुछ अगर? वेब सीरीज जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जब रिलीज होगी तो आपको डैम श्योर बहुत मज़ा आएगा। किरदार में इतना नहीं बताऊंगा, बस ये है कि एक चूहे बिल्ली का खेल है, तो चूहा तो कभी इतनी आसानी से हाथ में आता नहीं है, देखते हैं। मैं दिखाऊंगी कितनी जल्दी हाथ में आता है या नहीं, यू वेट। मैम अगर आपकी बात करें तो आपका किरदार किस तरीके का है और कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? इससे पहले भी आपने बहुत सारे काम किए हैं और इसके बाद ये जो मिसिंग आया है, तो कितना एक्साइटेड आपको लगता है और कितना एक्साइट करता है कि हाँ इस वेब सीरीज में ऐसी क्या खासियत रहेगी, आप उसकी तरफ रुझान बढ़ी है आपकी और आप उस तरफ चले? एक्चुअली मिसिंग इज समथिंग फॉर मी, इट इज़ अ वेरी बिग वेब सीरीज आई एम डूइंग एंड सर ने मुझे जो कैरेक्टर दिया है, it was always a wait for me to do something like this because I am a strong woman and I'm fighting for women in this web series. मतलब हमारे लड़कियाँ missing हो जाती है ये series में, तो I'm fighting and I'm playing a very strong and a bold woman character in this. I'm an investigator officer. सर काफ़ी सारी आज की डेट में काफ़ी सारी ऐसी वेब सीरीज बन रही हैं जो मर्डर मिस्ट्री हैं, जिस तरीके का एक सब्जेक्ट आपने बताया, तो बहुत सारे तरीके की, तो कितना उस मतलब उन वेब सीरीज से कितना डिफरेंट या अलग रहेगी ये मिसिंग वेब सीरीज? तो मिसिंग में तंत्र है, माइथोलॉजी है और थ्रिल है, तो ये डिफरेंस है। सर काफ़ी अभी जो भी सब्जेक्ट आते हैं उसमें काफ़ी सर, तो किस तरीके का मतलब ऐसा है कि फैमिली पूरा बैठ के देख सकती है, क्योंकि आजकल ये कंटेनर से बहुत सारे ऐसे बेसिकली IMAX ऐप ही पूरा फैमिली ओरिएंटेड है, तो यहाँ पे कंटेंट भी फैमिली देखने वाला ही होगा। अगर लोकेशन की बात करें तो आप कहाँ था ये लोकेशन आपने चुना? हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा थाने और मुंबई में शूट कर रहे हैं एंड ये करीबन अगले महीने से फ्लोर पर जा रही है, 35 डेज का शेड्यूल है जिसमें बहुत सारे एक्शन सीन्स हैं, इसलिए काफ़ी टाइम लगने वाला है शूट होने में। अनूप जी आपकी किस तरीके की तैयारी चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से कहा आपका एक कैरेक्टर आप बता रहे हैं, तो एक आई मीन अभी शायद रिवील तो नहीं कर सकते, बट किस तरीके की आपके वो कैरेक्टर की तैयारी चल रही है, कैसा आपका कुछ रहेगा थोड़ा जरा बता सकते हैं? बहुत भयंकर चल रही है और कैरेक्टर के लिए तो मैं सर का थैंक यू बोलूँगा, मुझे दिया है इन्होंने और उसकी तैयारी भी यही करवा रहे हैं, इतने भयंकर तरीके से करवा रहे हैं कि कभी कभी मुझे सच में लगता है कि मैं नेगेटिव हूँ क्या, मैं किसी को मार ना दूँ तो कभी कभी वो आता है मेरे को ऑफिस में भी आता है तो देखता है अच्छा ये कौन है गुंडा, तो उस तरीके से पूरा ढाल दिया है। सर जी आप बताइए कि अभी है आपका एक, आपने बताया इस तरह किरदार एक का किरदार करने वाले हैं इसमें, तो आपकी किस तरह की तैयारी चल रही है? सर मेरी ट्रेनिंग एक्चुअली बताऊँ तो इट इज लाइक अ स्ट्रीट फाइट, बिकॉज पुलिस वाले पोज मार के तो पंच नहीं मारते ना, तो मेरी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है उसमें एंड या इट इज़ दिस रोल इज़ रियली चैलेंजिंग फॉर मी। सुनने में और देखने में आप लोग को बहुत ईजी लगता होगा कि एक ऑफिसर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बट ट्रस्ट मी इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग रोल, इट्स नॉट ईजी। अगर आपको देखने में ऐसा लगता है कि रानी मुखर्जी का जैसे मर्दानी का किरदार था, कुछ ऐसा किरदार आपका होगा ऐसा? सर वो हमारे सीनियर है सो नो कमेंट्स, बट व्हाटएवर शी इज डन इट्स देयर, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू बी देयर, बट स्टिल शी इज आवर सीनियर सर, सो ऑल द रिस्पेक्ट। अभी से सर आपसे एक लास्ट क्वेश्चन नहीं जाते थे कि कब तक मतलब ये अभी आप स्टार्ट कर दिए हैं, तो कब तक की तैयारी, मतलब कब तक लोग देख पाएंगे कि मिसिंग वेब सीरीज, कब तक का प्लान है आपका? गणेश चतुर्थी तक, सो प्रोबब्ली हम रिलीज करेंगे गणेश चतुर्थी पे लाल बाग के राजा। एक्चुअली सर 14 तक तो ऐप रिलीज हो रहा है, ऐप तो लॉन्च हो रहा है बट हम गणेश चतुर्थी पे रिलीज। हां ऐप लॉन्च हो जाएगा, लाइक यहां पे एक गाना भी है, ये IMAX डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। इसका लॉन्चिंग कब करने वाले हैं IMAX का? IMAX करीबन 14 अगस्त के आसपास, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम 14th अगस्त ऑन योर टीवी फोन एवरीवेयर, यू कैन डाउनलोड IMAX टीवी, बट हमारा मिसिंग भी जब आएगा तो कमिंग सून लिखा होगा उस पे। And when once it releases, only national basis or international? It is international also. Worldwide launch kar rahe with seven languages. Seven languages. जाते जाते आप अपने audience को क्या कहना चाहेंगे? Finally, एक-एक करके आप बताएंगे। I think बस सबका प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, that's it. Please do watch, share, like, subscribe. We have a channel on YouTube, and support us. And promise, we all won't let you down. थैंक यू सो मच। बहुत मज़ेदार है वेब सीरीज़ और गारंटी देता हूँ कि पहले एपिसोड जब आप देखोगे तो मुझे लगता है कि रोंगटे
रोंगटे खड़े हो जाएंगे और कंटिन्यू देखना शुरू कर दोगे। और उसके साथ एक और चीज़, स्टॉप स्क्रोलिंग एंड स्टार्ट वॉचिंग IMAX IMAX TV। थैंक यू सो मच।